हम लोग कर रहे हैं CA इंटर के सेकंड ग्रुप वाले बच्चों के लिए बात। उसमें आपका चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो क्यों कंपनी लिक्विडेट होती है, हमें उसमें जो डिफरेंट A to H फॉर्म्स बनाने हैं उनका क्या फॉर्मेट होता है, उनको बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एंड द पर्सन विच इज़ अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर एंड हाउ टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट। सो इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। ओके, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन एनी कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, सीज टू ऑपरेशन, जब वो काम करना बंद कर देती है, सीज टू एग्जिस्ट, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। अब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जब हमारी बंद होती थी तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाते और पार्टनर्स कैपिटल बनाते, ज़्यादा है तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे बात ऐसे ख़त्म नहीं होती है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन के बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो इसको बंद करने के लिए भी बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, मतलब एक लीगल पर्सन, ऑफिशियल पर्सन रिक्रूट होता है, अपॉइंट होता है, जो ये सारे लिक्विडेटर की फॉर्मेलिटीज करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि इसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, अदरवाइज कोई भी काम गड़बड़ हो सकता है। एक नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी उठ के आके बंद कर देगा, उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तो वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो लिक्विडेटर इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू लिक्विडेशन। ठीक है, तो हमारे इसका मतलब मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, एक तो होता है कंपनी अपनी मर्जी से करे, यानी कि कंपल्सरी वाइंडिंग, ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो गई, और ये वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो गई। ठीक है, अब कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, इसमें अगर हम और सब कैटेगरीज बनाएं तो वॉलेंटरी में कई बार दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट की सुपरविजन में ही करे, वो लोग अपना म्यूचुअली एक लिक्विडेटर अपॉइंट करके या अपना म्यूचुअली भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट हो, वो ये भी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कोर्ट को बीच में नहीं लेकर आ रहे, अगर वो कोर्ट को बीच में नहीं ला रहे, तो यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स वो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है, और या फिर क्रेडिटर्स ने कहा है, क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है। ऑल्दो हमारे अकाउंटिंग पे इन सब बातों का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आता है,
हमारी अकाउंटिंग जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन उसमें जो होना है वही होना है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम कंपलसरी वाइंडिंग अप पर आते हैं तो कंपलसरी वाइंडिंग अप के जितने भी रीजंस हैं वो आते हैं अंडर सेक्शन 433 to 465 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये हमारे को अलग अलग बताता है बातें कि कंपलसरी वाइंडिंग अप के क्या क्या प्रोविजंस हैं। और अगर हम थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो जो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है उसको गवर्न करता है सेक्शन 484 to 521। ठीक है, ये गवर्न करता है। तो अब हम इसके लीगल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन या क्या क्या होना चाहिए। हम सिर्फ कंपलसरी वाइंडिंग अप का लीगल एस्पेक्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कंपलसरी वाइंडिंग अप का लीगल एस्पेक्ट क्या कहता है, उसमें हमारा जो ये सेक्शन 433 है ये कहता है कि एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कि विद इन वन ईयर आपका नहीं पॉसिबल है लिक्विडेट होना, एटलीस्ट वन ईयर तो हो ही चुका होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया विद इन वन ईयर का मतलब यहाँ पे एक और भी बात हो सकती है कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन तो ले लिया आफ्टर, इसको एक बार मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ थोड़े से पॉइंट्स। देखो जो सेक्शन 433 है, सेक्शन 433 ये बताता है कि व्हेन ट्रिब्यूनल, व्हेन ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर फॉर कंपलसरी लिक्विडेशन। तो एक तो ये है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया और वो स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व होके कोर्ट से एक ऑर्डर मिल गया कि ये होना है, लिक्विडेट होनी है। आपने आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जब भी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, तो अगर तुम्हें याद हो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो जिस दिन मिला उसके बाद विद इन वन ईयर उन्होंने डू नॉट कमेंस बिजनेस, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, ये वाली बात है। अगर उन्होंने एक साल के अंदर अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो उनको कंपलसरी हो जाएगा कि अब वो फॉर्म बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, यहां पर विद इन वन ईयर का ये मतलब है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में अगर मेंबर्स बिलो 7 चले जाएं, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें मेंबर्स बिलो 2 चले जाएं तो भी वो कंपलसरी वाइंडिंग अप हो सकता है। अगर कोई कंपनी अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पाए तो भी वो हो सकता है। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट हो गई, डिफॉल्ट इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जो उनकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है मतलब लीगल रिपोर्ट एक होती है, वो उन्होंने टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नहीं दी, या और अगर उन्होंने होल्ड नहीं की
स्टैट्यूटरी मीटिंग, चलो रिपोर्ट नहीं करी आपने जमा, लेकिन स्टैट्यूटरी मीटिंग तो करोगे, आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग भी कंडक्ट नहीं की, ठीक है। कंपनी ने जो बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट नहीं कराया, या कंपनी कोई भी ऐसा किसी काम में इन्वॉल्व हो गई जो अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, तो भी कंपनी को वाउंड अप होना पड़ता है। अगर वो कोई भी फॉरेन रिलेशंस बना लेती है विच इज विच अफेक्ट्स द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एक देश की संप्रभुता और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये सारे वो सर्कमस्टांसेस है जब किसी कंपनी को कंपलसरी वाउंड अप होना पड़ता है, ठीक है। देखो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अलग अलग लिस्ट हमें दी हुई हैं, जैसे कि एक लिस्ट ए है। लिस्ट ए हमें क्या कहती है कि ये सारी जो लिस्ट हमें दे रखी है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, डी, सी, ये पूरी जो दे रखी है एच तक दे रखी है, तो जितनी भी लिस्ट हैं वो सारी लिस्ट हमें ये बताती हैं कि अलग अलग आइटम्स का ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि लिस्ट ए ये बताती है कि जितने भी असेट्स हैं जो कि नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड हैं, मतलब ये किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये जो असेट्स हैं ये किसी के भी अगेंस्ट मॉर्गेज नहीं है, इनके अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई इस तरह का असेट है तो उनकी हमें एस्टिमेटेड वैल्यू से कंसर्न होता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, हमें सिर्फ उसी से कंसर्न होता है कि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है। ये कौन से असेट्स हैं जो प्लेस्ड नहीं हैं, जिनके अगेंस्ट हमने कोई लोन नहीं लिया हुआ है। फिर जो लिस्ट बी आती है वो ये बताती है कि असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, जितने भी असेट्स हैं वो स्पेसिफिकली प्लेज्ड हैं, मतलब इन वाले असेट्स पे नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड चार्ज, जबकि ये वाले जो असेट्स हैं they are having fixed charge, ठीक है। तो जब इन वाले assets को हम list बनाते हैं तो इनकी एक proper statement होती है। इसकी statement जब हम बनाते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, estimated realizable value कितनी है वो तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, फिर कितना ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, हमारी वैल्यू कितनी है और हमें पेमेंट करनी कितनी है। अब अगर डेफिशिएंसी है तो हम यहाँ बताएंगे, और डेफिशिएंसी में फिर उसकी रैंक क्या है, क्योंकि डेफिशिएंसी में भी रैंक आती है ना कि किसको हमें कितनी पेमेंट करनी है। हम अपने पेमेंट ऑफ ऑर्डर निकालते हैं ना कि हमें किस ऑर्डर में पेमेंट करनी है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सॉरी, हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकालते हैं ना कि हमें किस ऑर्डर में पेमेंट करनी है। और अगर सरप्लस है तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जो और जगह काम आ जाएगा,
ये कैरिड फॉरवर्ड हो गई, ठीक है ना, फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल अगर ये लें कि कोई हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 1 लाख, क्रेडिटर्स को हमें देना था 80,000, तो उनको पूरी पेमेंट दे देंगे, 20,000 सरप्लस आ गया। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग है जो कि 5 लाख की उसकी वैल्यू आई, लेकिन हमारे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उस बिल्डिंग के अगेंस्ट वो 5,05,000 है, तो ये 50,000 की डेफिशिएंसी है। अब इस डेफिशिएंसी को हम किस तरह से बियर करेंगे, जितना भी हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट है उसमें इसकी रैंक क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे ही 50,000 की डेफिशिएंसी है ना, तो हम एक ना अभी लिस्ट बी के बाद एक हमारी लिस्ट ई बनेगी, इसको हम ना ऐड कर देंगे लिस्ट ई में, क्योंकि लिस्ट ई किससे रिलेट करती है, वो होती है लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो भी हम एक एक करके आगे करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है लिस्ट सी। लिस्ट सी हमें कहती है हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से हैं, हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से हैं, हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं सिक्योर्ड होते हैं, वो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, कोई भी प्रेफरेंशियल पेमेंट्स सिक्योर्ड पेमेंट्स, ठीक है, या किसी भी तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी जो हमें लगता है कि हमें पे करनी होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रेफरेंशियल पेमेंट। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये वाले जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, इनको प्रेफरेंशियल देनी है हमें, तो वो हमें पहले से बता देंगे। तो हमारे पास इसको गवर्न करता है सेक्शन 529A एंड 530। ये दोनों सेक्शंस हमें बताते हैं कि हमारी प्रेफरेंशियल पेमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए। लिस्ट डी हमें बताती है कि ऐसे डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये भी डिबेंचर होल्डर्स भी प्रेफरेंशियल में ही आते हैं, लेकिन ये वो वाले हैं जो डिबेंचर होल्डर से भी पहले पेमेंट करनी है इनको। उसके बाद हमें डिबेंचर होल्डर्स आते हैं वो जो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड हैं बाय अ फ्लोटिंग एसेट, किसी भी फ्लोटिंग एसेट, मतलब कोई भी फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट एसेट है। अगर कोई फिक्स्ड के अगेंस्ट है एसेट, तब तो वो यहीं आ जाएगा। फ्लोटिंग मतलब जो हमारे करंट असेट्स हैं, तो जो भी ऐसे डिबेंचर होल्डर्स हैं जो फ्लोटिंग असेट्स के अगेंस्ट हमारे लिस्टेड हैं। फिर ये लिस्ट ई जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई थी कि जितने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। अनसिक्योर्ड में बिल्स पेबल भी हो सकते हैं, बिल्स पेबल में इफ नॉट सिक्योर्ड, इसमें हमारे पास एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी जो ऊपर इंक्लूड नहीं हो रही, विच इज नॉट इंक्लूडेड अबव,
इन लिस्ट सी। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी लिस्ट ए एंड बी तो असेट से आ रही हैं, ठीक है, फिर लिस्ट सी डी एंड ई हमारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट से आ रही हैं। तो हमारी असेट्स हो गई, हमारी लायबिलिटीज़, ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, ये तीनों हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की पेमेंट से रिलेट कर रही हैं। अब हम आगे आते हैं लिस्ट एफ। लिस्ट एफ हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बिलोंग करती है और फिर लिस्ट जी हमारी इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करती है। अब अगर किसी भी वजह से ये सब कुछ पेमेंट करने के बाद अगर कुछ भी बच जाता है तो हम उसको लिस्ट एच में डाल देते हैं, एनी सरप्लस। और अगर इनको पेमेंट करने में भी दिक्कत आ रही है तो डेफिशिएंसी, तो सरप्लस या डेफिशिएंसी अकाउंट जो भी होगा दैट इज़ टू बी शोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो बेसिकली आपको बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि सारे की सारी लिस्ट बनाने को आ जाएं, आप लोग को कोई अगर सारी आ भी जाती हैं तो सब में एक एक दो दो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, छोटी छोटी सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आपकी जो मेन है लिस्ट वो आपकी असेट्स वाली होती है और लास्ट में जो ये डेफिशिएंसी वाली है ये होती है, ये वाली, ये तीन लिस्ट ए बी ये वाली और ए के लिस्ट एच, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, बीच की तो आपको सिंपल पेमेंट ही करनी है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग की बात नहीं होती, आपको कितना वहाँ पे शुरू में करना है और कितना फिर आपको बाद में डेफिशिएंसी या सरप्लस को यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे लिस्ट सी को, लिस्ट सी को हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे बिकॉज उसमें हमने सेक्शन की बात कर ली थी, हमने ये बात की थी कि लिस्ट ई में हमारे पास मेजरली तीन आइटम्स आती हैं। एक तो आता है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, ये हमने कहा कि अंडर सेक्शन 529 ए आती हैं। एक हमने कहा कि प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, ठीक है, ये अंडर सेक्शन 530 आती हैं। और तीसरा हमने कहा कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली। तो चलो कंटिंजेंट लायबिलिटी में तो कोई ऐसी बात नहीं आती, आपको मेंशन ही होगा क्वेश्चन में तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रेफरेंशियल पेमेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये जो दो हैं इनको तो हमें डिटेल में समझना ही पड़ेगा। तो ये जो 529 बात कर रहा है ये बात करता है कैलकुलेशन की, ये बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट, यानी कि ये बता रहा है स्टेटमेंट के बारे में। ये कह रहा है कि 529A बता रहा है कि हाउ दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। लेकिन इससे पहले हमारा
आज ही मैं कह रही थी ना, तुम्हारी बिल्कुल सही होती है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा, एक होता है सेक्शन 326। 326 ये बताता है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। वो हमें ये बता रहा है कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में क्या होता है, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो वो ये कह रहा है इसमें एक तो आता है जो भी वर्कमैन है, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनके ड्यूज कितने हैं, ठीक है, और या फिर वो आता है जो डेब्ट ड्यू टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। एस कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम, ठीक है। कुछ ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो रियलाइज नहीं हो पाए, जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बिकॉज ऑफ पैरी पासो चार्ज, उस पर चार्ज था। बिकॉज ऑफ पेरी पैसो चार्ज इन फेवर ऑफ वर्कमैन, क्योंकि जिस असेट के अगेंस्ट उनकी लाइबिलिटीज थी, वो असेट्स कहीं ना कहीं वर्कमैन से रिलेट करते थे एज अ सिक्योरिटी ओवर द सिक्योरिटी हेल्ड बाय हिम। जो सिक्योरिटी उसके पास थी उससे वो वर्कमैन से रिलेट कर रही थी। तो यानी कि वो किसी ऐसी असेट के अगेंस्ट उनके जो डेब्ट थे वो चार्ज थे, पैरी पैसो चार्ज था, जिसमें उन वर्कमैन के फेवर में थी वो असेट, और वही उनकी सिक्योरिटी थी। तो बेसिकली अगर हम इसको इन शॉर्ट बात करें तो जो हमारा सेक्शन 326 आता है वो हमारा वर्कर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा वो ये कहते हैं कि इसमें वो सब डेब्ट्स आते हैं, ऑल सच डेब्ट्स, जितने भी डेब्ट्स हैं मस्ट बी पेड इन फुल। जितने भी डेब्ट्स हैं दैट मस्ट बी पेड इन फुल अनलेस असेट्स आर। अगर आपके पास है ही नहीं तब तो कोई बात ही नहीं है। असेट्स आर इनसफिशिएंट, ठीक है ना। इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे असेट्स इनसफिशिएंट होते हैं तो हम कोई ना कोई प्रपोर्शन में कर देते हैं। तो इन विच केस दे शैल बी अबेट इन इक्वल प्रपोर्शन, जो भी उनका इक्वल प्रपोर्शन बनता है उस प्रपोर्शन में वो हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी डेब्ट्स जो हमें पूरे पे करने हैं, कोई भी ऐसे डेब्ट जिनको हमें पूरे पे करने की ही है लेकिन हमारे असेट सफिशिएंट नहीं हैं, तो वो भी हमारे ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में आते हैं सबसे पहले। तो ये तो ये वाली बात हो गई। अब इसमें जो ये हमने पहली बात करी है, ये इसको भी फर्दर सेक्शन 325(3)(b)
सेक्शन 325 3B वर्कमैन ड्यू को एक्सप्लेन करता है कि वर्कमैन ड्यू में भी क्या क्या आता है, ठीक है। तो अब ये सेक्शन 325 3B क्या बताता है? ये बताता है कि जो भी हमारे वर्कमैन्स ड्यू हैं उनमें क्या क्या आएगा। तो वर्कमैन ड्यू में सबसे पहले तो उसकी वेजेस ही आएंगी, जो भी उसकी वेजेस एंड सैलरीज हैं वही आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर उसका किसी भी तरह का एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन है, तो वो आएगा। अगर किसी भी तरह का कंपनसेशन है, किस तरह का कंपनसेशन? किसी भी तरह का कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, उसका कोई भी ड्यू पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो हमारा 1923 है, इसके अगेंस्ट अगर उसका कोई भी कंपनसेशन ड्यू है तो वो आएगा। तो वेजेस एंड सैलरीज आएंगी। कोई भी उसका हॉलीडे रेम्यूनरेशन था, हॉलीडे रेम्यूनरेशन मतलब उसको LTC मिलनी थी, जो लीव ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो अगर वो सब उसे मिलना था और वो उसने नहीं क्लेम किया और वो उसका आउटस्टैंडिंग है, तो वो उसे मिलेगा। फिर किसी भी तरह का कंपनसेशन है तो वो मिलेगा। या अगर किसी भी तरह का सम ड्यू अगेंस्ट एनी पेंशन फंड, अगर किसी भी तरह का पेंशन फंड है या प्रोविडेंट फंड है, या ग्रेच्युटी फंड है, या कैसा भी और वेलफेयर फंड है, ठीक है, कुछ भी ऐसा फंड जो कंपनी मेंटेन कर रही है वो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये पॉइंट। वर्कमैन कौन होता है, ये सब आप लोग लॉ में पढ़ ही रहे हैं कि वर्कमैन कौन होता है। जो भी हमारा एम्प्लॉई होता है, जिस जो वर्कमैन एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हमारे वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है। तो अब हम इतने डीप लॉ में नहीं जा रहे, हम सिर्फ अपना उससे रिलेट कर रहे हैं जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। लॉ में जाने लगेंगे तो फिर बहुत सारा लॉ आ जाएगा। तो एक ही हमारे पास ये बात हो गई। फिर हमने अपने लिस्ट सी में एक और बात की, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। हमने जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात की तो उसको हमने बात की 327 में, ठीक है। वो ये कह रहा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होंगे, किनको हम बोलेंगे कि ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, हमने कहा जिनके अगेंस्ट कोई भी फ्लोटिंग चार्ज है, तो मींस ऑल रिवेन्यू टैक्सेस, किसी भी तरह के सेसेस एंड रेट्स जो कि बिकमिंग ड्यू, आगे ड्यू होने वाले हैं आपके करंट ईयर की इनकम के बेसिस पे, या पहले ड्यू हो चुके हैं, पेबल हैं पहले से बाय द कंपनी, विद इन 12 मंथ्स, क्योंकि हम फ्लोटिंग चार्ज की बात कर रहे हैं ना, हमने इसको बोला था ना पहले भी कि हम फ्लोटिंग चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स फ्रॉम वन, विद इन 12 मंथ्स नेक्स्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप, जब आपने वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो बिफोर वाइंडिंग अप प्रोसेस से विद इन 12 मंथ्स,
क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में ही बात की कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट करनी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले, या ऐसे क्रेडिटर्स जिनके अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज हैं, मतलब उनसे पहले हमें इनकी पेमेंट करनी है। तो इसमें एक तो ये आ जाएंगे, फिर दूसरा हमारे पास एनी एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन। अब ये तो हमने हॉलीडे रेम्यूनरेशन अभी पहले भी बात की थी ना, तो लेकिन अगर किसी भी ये वाला हॉलीडे रेम्यूनरेशन वो है जो बिकमिंग पेबल, बिकमिंग पेबल टू एनी एम्प्लॉय, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर जिनकी भी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है, बिफोर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप से पहले ही वो उनकी हो रही है, बिफोर वाइंडिंग अप ऑर्डर। अभी आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी नहीं आया है या डिसोल्यूशन का ऑर्डर नहीं आया है, उससे पहले ही उनकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है, वो वाले एम्प्लॉयज़ इस कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर इन्हीं एम्प्लॉयज़ के वेजेस भी एंड सैलरीज भी इसी में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इसी तरह के एम्प्लॉयज़ का, अगेन वही वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि किसी भी तरह के एक्सपेंसेस जो होते हैं, अगर हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस भी कंपनी को देने पड़ते हैं। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 213 और अंडर सेक्शन 216 वो भी कंपनी को देने होते हैं, या कोई भी ऐसे प्रेफरेंशियल डेट्स जिनकी रैंकिंग इक्वली टू ठीक है ना, जिनके लिए हमारे असेट्स इनसफिशिएंट थे और उनको हमें पेमेंट पहले करनी है, तो इस तरह से ये सारी हमारे पास पहले इसमें आ जाती हैं, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में आ जाती हैं अंडर सेक्शन 327। गॉट इट। फिर इसका एग्जांपल अब हम लोग कर लेंगे जिससे। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि एक लिक्विडेटर अपनी फाइनल स्टेटमेंट क्या बनाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम लिखते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द वाइंडिंग अप जो भी हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अगर कोई और रीज़न होता है तो हम वो लिख देते हैं यहाँ पर, और हम नीचे मेंशन करते हैं कि किस सेक्शन के अंडर में है, इन परसुएंट ऑफ
सेक्शन 497 एंड 509। ठीक है, हमें यहाँ पे चार चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, नेम ऑफ द कंपनी जो भी है, फिर हमें सेकंड मेंशन करना होता है नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स का मतलब हो गया नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स का मतलब हो गया कि हम ये मेंशन करते हैं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम अलग से शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कितने नंबर ऑफ हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल्स हैं, ये सब हमें पूरा डिटेल्स शो करनी होती है। फिर हमने किस डेट को ये प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइंडिंग अप, हमने किस डेट को ये स्टार्ट की थी, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द लिक्विडेटर, ठीक है, ये सब हम देकर अब हमारी स्टेटमेंट आती है। सब हम स्टेटमेंट बनाने से पहले ऊपर मेंशन करेंगे। अब हमारी स्टेटमेंट में क्या आएगा, इस तरफ आएगी रिसिप्ट्स, इस तरफ आएगी एस्टीमेटेड वैल्यू, इधर आएगी वैल्यू रियलाइज्ड, इधर पेमेंट्स, और एक्चुअली में हमने पेमेंट कितनी की है। इसमें हमें दो वैल्यू कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही सफिशिएंट है। फिर हमने यहाँ पर असेट्स से कितनी रिसिप्ट्स की, जितने भी असेट्स हैं, चाहे आपके कैश एट बैंक हो, कैश इन हैंड हो, यानी कि जितनी भी आपकी करंट असेट्स हैं सारी, फिर जितनी भी आपकी फिक्स असेट्स हैं सारी, ये सब की सब आपकी लाइन से आती चली जाएंगी, ठीक है। फिर अगर कुछ भी हमारा सरप्लस आया है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, ये हम डाल देंगे, जितना भी जैसे कि अनपेड कॉल्स थी वो हमने मंगवा ली, या हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने कुछ दे दिया, या हमने ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ रिसिप्ट ले ली, कुछ भी, ये पेमेंट्स हमारी सारे रिसिप्ट्स में आ जाएंगी। ये सब आने के बाद हम यहाँ लिखेंगे टोटल, ठीक है ना, ये सब टोटल, फिर इसका टोटल, ये हमने टोटल कर दिया, ठीक है। इस टोटल में से ये हमारे पास टोटल की फिगर आ गई, इस टोटल में से हम लेस कर देंगे हमने कितनी पेमेंट की है रिडीम ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना, फिर कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये जो पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, ये सब कुछ एग्जीक्यूशन पेमेंट्स, फिर नेक्स्ट पेमेंट्स एज पर, अगर हमको कोई ट्रेडिंग अकाउंट की पेमेंट्स करनी थी वो, ये सब हम करने के बाद फाइनली हमारे पास यहाँ आ जाएगा नेट रियलाइजेशन, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे पेमेंट्स की बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई रिसिप्ट्स, जब हम पेमेंट्स की बात करते हैं तो उसे कुछ देने होते हैं लीगल चार्जेस,
जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं। फिर लिक्विडेटर ये सब कुछ कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन भी तो होगा। अब लिक्विडेटर का कमीशन हम असेट्स रियलाइज्ड के बेसिस पे भी काउंट कर सकते हैं, कितना हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया। अलग अलग मेथड्स होते हैं, वही जैसे आप लोगों ने पहले भी किया है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये सब जो हैं ये लिक्विडेटर कमीशंस हैं। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि कमीशन का यही मेथडोलॉजी है कैलकुलेट करने की। आपको हमेशा मेंशन होगी क्वेश्चन में कि दिस इज द मेथड यू हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो वो लिख दोगे। फिर आपको उसमें लेकिन पूरी डिटेल लिखनी है कि आपने किसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया है, ठीक है, क्या क्या आपका फिक्स हुआ है, एवरीथिंग। उसके बाद जो भी ऑक्शनर है, जो हमारी ऑक्शन हो रही है, नीलामी जिसे हम कहते हैं, तो जो भी हमारे ऑक्शनियर्स हैं या जो भी हमारे वैल्यूअर्स हैं जिन्होंने वैल्यू लगाई है हमारी असेट्स की, लाइबिलिटीज की, जो भी हमारे वैल्यूअर्स हैं उन्हें भी हमें कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। उन्हें हम चार्जेस भी कह सकते हैं, फीस भी कह सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ पोजेशन एंड मेंटेनेंस, ऑफ एस्टेट, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है अगर हमें उसको पोजेस करने में, उसकी पोजेशन लेने में कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, या पोजेशन लेने के बाद उसको मेंटेन करने में कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो भी हमें यहाँ मेंशन करने होते हैं, ठीक है। फिर गैजेटेड एंड आपको न्यूज़पेपर में मेंशन करना होता है, गैजेट में मेंशन करना होता है, ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। गैजेटेड एंड न्यूज़पेपर्स इंसिडेंटल आउटले, मतलब इनमें पब्लिश कराने के जो भी खर्चे हुए हैं, आउटले मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम, जितने भी खर्चे हुए हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद ये हमारे पास खर्चा आ गया, एक ये खर्चा आ गया, एक ये फीस आ गई, ठीक है ना। हमारे पास एक एक लीगल चार्जेस आ गए, एक ये लिक्विडेटर्स कमीशन आ गया। ये सब खर्चे हमने लिखने के बाद हम ही कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है, टोटल कॉस्ट। ये तो टोटल कॉस्ट एंड चार्जेस आ गए जो हमें देने ही देने हैं। अब इसके बाद हमें डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, उनको पेमेंट करनी है। हमें क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स में पहले हम प्रेफरेंशियल को कर रहे हैं, फिर हम फिर सिक्योर्ड को, फिर अनसिक्योर्ड को, जो भी हमारी पेमेंट्स हैं वो सारी पेमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर हम पेमेंट्स कर रहे हैं जो भी हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, रिटर्न्स टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज यानी कि शेयर होल्डर्स, उन्हें हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको हमने पेमेंट कर दी। तो बेसिकली ये सब पेमेंट, या तो हमें ये सब कुछ अगर मेंशन होगा तो आपका ये वाली फिगर, और अगर हम इस फिगर की बात करें, ये वाली जो फिगर है, ये फिगर जो हम ऊपर लिख रहे हैं ये हम यहाँ नीचे लिखेंगे लास्ट में, ठीक है ना, क्योंकि हमारी दोनों साइड इक्वल ही होनी चाहिए। या फिर आपको ये बोल देंगे कि ये सब कुछ देने के बाद हमारे पास जो लास्ट में बचा उससे हम ये वाली पेमेंट कर देंगे, ये वाली, तो वो तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। समझ में आया? तो आप लोगों को सारे फॉर्मेट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड व्हाट पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑल दीज फॉर्मेट्स एंड टेबल्स। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज स्टेटमेंट।
एंड वी विल डिस्कस सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में करना आ जाए. ओके, सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपना जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड दैट अपना ICAI ने जो मॉड्यूल दिया है वो ज़रूर करना है. वहाँ के RTPs, वहाँ के MTPs, वहाँ के एडिशनल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये ध्यान रखो बच्चे, वो कंटेंट ज़रूर करना है. ओके, सो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी एट rajshreetutorials@gmail.com. ओके, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Good luck to all of you. Thank you so much.